हेलो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 10 एसिड्स बेस एंड सॉल्ट्स इसके रिव्यू क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, इन रिव्यू क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में मुश्तमिल है। टोटल 5 क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम देखते हैं, राइट द इक्वेशन फॉर द सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। व्हाट इज सेल्फ आयोनाइजेशन? अब इस रिएक्शन को आप देखें, यहाँ पे दो वाटर के मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, इनके पास एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन के एटम हैं। अब ये होता क्या है कि दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, केमिकली रिएक्ट करते हैं, नॉट फिजिकली। ठीक है, एक वाटर मॉलिक्यूल अपना हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र कर देता है और नतीजे में क्या होता है, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सल आयन बनता है। इस तरह इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, द सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच टू वाटर मॉलिक्यूल्स रिएक्ट टू प्रोड्यूस अ हाइड्रोनियम आयन। आपको पता है कि ऑक्सीजन जो है वो लोन पे रखता है और हाइड्रोजन जो है हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना, एंड अ हाइड्रोक्साइड आयन OH। द रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज ऑटो आयोनाइजेशन, ये खुद ब खुद होता रहता है, एंड ऑटो डिसोसिएशन ऑफ वाटर। इसको ऑटो डिसोसिएशन क्योंकि टूट रहा है और ऑटो आयोनाइजेशन क्योंकि आयन फॉर्मेशन हो रही है। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ऑटो प्रोटोलिसिस एंड रिलाइज ऑन द एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर। आपको अच्छी तरह से पता है कि ये प्रोटॉन डोनर है। ठीक है, प्रोटॉन डोनर और एक प्रोटॉन एक्सेप्टर बनता है। इट मीन्स दे ऑल्सो एक्ट एज अ एज एन एसिड एंड एज अ बेस, वन विच इज ट्राई टू गिव द एच प्लस आइन। मीन्स प्रोटोन डोनर जो है वह आपका जो है वो एसिड है और प्रोटोन एक्सेप्टर जो है वह आपका बेस है। तो इस तरह वाटर के मॉलिक्यूल दे बिकम हैविंग शोइंग द ड्यूल नेचर और एम्फोटेरिक नेचर। इसको हम इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, द वाटर मॉलिक्यूल डेट डोनेट्स और लूजेज अ प्रोटोन बिकम नेगेटिवली चार्ज हाइड्रोक्साइड आइन। वाटर का वो मॉलिक्यूल जो अपना हाइड्रोजन को देने की सलाहियत करता है और डोनेट कर रहा है या लूज कर रहा है, उस वो क्या बन जाएगा, OH आयन बन OH ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, और OH माइनस आयन। द अदर वाटर मॉलिक्यूल विच गेन्स और एक्सेप्ट द प्रोटॉन बिकम पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हाइड्रोनियम आयन। और वो वाटर का वो मॉलिक्यूल जो H प्लस ले रहा है दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से, वो हाइड्रोनियम आयन बन जाता है। ठीक है, दिस रिएक्शन कैन बी रिटन एज टू वाटर मॉलिक्यूल डिसोसिएटेड इन हाइड्रोनियम आयन एंड हाइड्रोक्सल आयन। ओके, इतनी एक्सप्लेनेशन काफ़ी है। अच्छा, इसको हम इस तरह से भी चेक कर सकते हैं, ये आयन प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट है, यानी कंटिन्यू ये दो वाटर मॉलिक्यूल मिलते हैं और मिलने के बाद हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्सल आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस तरह ये जो इसकी नेचर बनी है, इसमें एक वाटर का मॉलिक्यूल एक्ट करता है एज अ एसिड और दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल एक्ट करता है एज अ बेस, और रिजल्ट में जो हमें मिलता है एक एसिड मिलता है, एक बेस बनता है। आपको पता होगा आरएनएस थ्योरी के हिसाब से एच प्लस जो है डोनेट जो करता है वो लिबरेट करता है, डिसोसिएट करता है, वो एसिड है, और OH माइनस ग्रुप जो डिसोसिएट करता है, लिबरेट करता है वाटर के अंदर, वो बेस है। तो वाटर जो है इटसेल्फ हैविंग एम्फोटेरिक नेचर। द वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर इज प्रेजेंट हियर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट द सेल्फ आयनाइजेशन काइंडली मैसेज मी। क्वेश्चन नंबर 2 था आरएनएस एसिड के बारे में। ठीक है, अब आरएनएस एसिड क्या है, हम इसके लिए हमें इसकी डेफिनेशन देखनी पड़ेगी। एन आरएनएस एसिड इज द सब्सटेंस दैट डिसोसिएट इन वाटर टू फॉर्म हाइड्रोजन आयन और प्रोटॉन। एसिड वो है जो कि वाटर के अंदर जब हम उसको मिक्स करें तो वो डिसोसिएट हो जाए एच प्लस आयन, या जिसको हम प्रोटॉन भी कह सकते हैं। ठीक है, इन अदर वर्ड्स इट इंक्रीज द नंबर ऑफ एच प्लस आयन इन द वाटर। और इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि जब इसको वाटर के अंदर डालेंगे तो एच प्लस आयन ये लिबरेट करेगा, ठीक है, डिसोसिएट करेगा। अगर HCl को हम वाटर के अंदर डालें तो हाइड्रोजन आयन बनता है, इट मीन्स कि इट डिसोसिएट और लिबरेट एच प्लस आयन इन वाटर, साथ में क्लोराइड आयन बनेगा। अगर नाइट्रिक एसिड को हम वाटर के अंदर मिक्स करें तो हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करता है और नाइट्रेट बनता है। ठीक है, अच्छा, और भी एग्जांपल है आरएनएस एसिड की। इसकी अ गुड एग्जांपल ऑफ आरएनएस एसिड इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट डिसोसिएट इन वाटर टू फॉर्म द हाइड्रोजन आयन एंड क्लोराइड आयन। ये अभी हम पहले देखा पिछले उसमें स्लाइड में, इट कंसिडर्ड एज आरएनएस एसिड
बिकॉज द डिसोसिएशन इंक्रीज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइन इन द एक्वस सोल्यूशन. जैसे जैसे हम इसको मिक्स करेंगे द नंबर ऑफ एच प्लस आइन इंक्रीज होता जाएगा और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये फौरी तौर पर डिसोसिएट हो जाएगा. अदर एग्जाम्पल्स ऑफ आर एन एस एसिड एसिड्स इंक्लूड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, हाइड्रोब्रोमिक एसिड HBr एंड नाइट्रिक एसिड HNO3. यहाँ पे ये एग्जाम्पल दिए सल्फ्यूरिक एसिड की. सल्फ्यूरिक एसिड जो एक्चुअली डायप्रोटिक है, डायप्रोटिक होने की वजह से दो स्टेप में हाइड्रोजन आयन को रिप्लेस करता है. पहले स्टेप में ये बायसल्फेट बनाता है और एक हाइड्रोजन आयन लिबरेट करता है या डिसोसिएट करता है. सेकेंड स्टेप में ये रिमेनिंग जो हाइड्रोजन आयन है वो भी लिबरेट या डिसोसिएट कर लेता है और सल्फेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है. इस तरह नेट रिजल्ट जो है वो हमारी इक्वेशन होती है, टू सल्फ्यूरिक एसिड डिसोसिएट टू एच प्लस आइन एंड वन सल्फेट आइन. अच्छा, एसिड के साथ हम बेस को भी देख लेते हैं. अगर हम जब बेस की बात करते हैं आर एन एस बेस, तो इसकी डेफिनेशन एग्जाम्पल भी देख लेते हैं. एन आर एन एस बेस इज द सब्सटेंस दैट वेन एडिड टू वाटर, जब इसके अंदर हम वाटर डालेंगे, इंक्रीज द नंबर ऑफ ओ एच माइनस आइन इन द वाटर. ये ऑटोमेटिक ओ एच माइनस आइन को इंक्रीज करता जाएगा. इट मीन्स दे मस्ट हैविंग द ओ एच माइनस. आर एन एस एसिड हम उसको कहेंगे जिसके पास एच प्लस आइन हो, और आर एन एस बेस हम उसको कहेंगे जिसके पास ओ एच माइनस आइन हो, ठीक है. द बेस डिसोसिएट इन वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड आइन. इट मे डिक्रीज द एक्वस हाइड्रोनियम आइन H3O+. और अगर जब हम इसके अंदर डालेंगे तो ऑटोमेटिक एच हाइड्रोनियम आयन वाटर के अंदर से कम होता चला जाएगा. आर एन एस बेस को अगर हम देखें तो ये कंजुगेट करेगा और ये क्या करेगा, ओ एच माइनस आइन प्रोड्यूस करेगा. सोडियम हाइड्रोक्साइड है, वाटर है, सोडियम आयन बनेगा और हाइड्रो ऑक्साइड आयन बनेगा. अगर हम फर्दर एग्जाम्पल देखना चाहें आर एन एस बेस की, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं एंड आर एन एस बेस इज़ अ कंपाउंड डेट आयोनाइज टू ईल्ड द हाइड्रो ऑक्साइड आइन, ठीक है. ये हाइड्रो ऑक्साइड आइन हमेशा एक्वस सोल्यूशन में ही मिलना चाहिए. जितने भी हमारे पर मेटल हाइड्रोक्साइड है, दे आर कंसिडर द आर एन एस बेस. जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है. जब भी हम इसको वाटर में डालेंगे, एक्वस सोल्यूशन बनाएंगे, दे विल बी डिसोसिएट इन सोडियम आइन, हाइड्रोक्साइड आइन. अगर पोटेशियम है तो पोटेशियम आइन एंड हाइड्रोक्साइड आइन. अगर कैल्शियम है, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड है, तो कैल्शियम आइन और हाइड्रोक्साइड आयन. अगर मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड है तो मैग्नीशियम आयन प्लस वो हाइड्रोक्साइड आयन. और अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड है तो ये अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है. अच्छा, अब थर्ड इसके बाद वाला जो क्वेश्चन था, वाई एच प्लस आयन एक्स एज अ लुईस बेस. एच प्लस आयन जो है उसको वाई एच प्लस आइन एक्स एज अ लुइस एसिड. इसको एच प्लस आइन को हम लुइस एसिड क्यों कंसिडर करते हैं, तो इसके लिए हमें ये डायग्राम देखनी पड़ेगी. आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल है जिसके पास दो जो है नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है. ये अमोनिया है, अमोनिया के पास एक नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है. अब होता क्या है, जब भी H प्लस आइन जाता है या वाटर का H प्लस आइन होता है, तो वो क्या करता है, इस लोन पेयर की तरफ अट्रैक्ट होता है. ये लोन पेयर क्या करता है, इसको एक्सेप्ट कर लेता है हाइड्रोजन, और ये बन जाता है हमारे पास, एक्ट करता है एज अ हाइड्रोनियम आइन, ठीक है, या अमोनियम आइन. अ लुईस हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं लुईस एसिड को, अ लुईस एसिड इज अ लोन पेयर एक्सेप्टर, यानी ये लोन पेयर जो है एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखता हो. द आयन हैज़ नो इलेक्ट्रॉन. एक्चुअली हाइड्रोजन आयन जो होता है वो हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है. इसके पास कोई भी जो है इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में नहीं होता है, वैलेंस शेल इसका एम्प्टी होता है, क्योंकि इस पर जो प्लस का चार्ज आया है वो इसी वजह से आया कि वो अपना इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी दे चुका है. सो कैन ईजली एक्सेप्ट अ लोन पेयर. इस वजह से आप बिल्कुल आराम से ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर लेगा किसी भी दूसरे एटम के साथ, जो भी नियर बाय इलेक्ट्रॉन नियर बाय एटम होगा जिसके पास लोन पेयर मौजूद है और नॉन बॉन्डिंग लोन पेयर मौजूद है, वो फौरी तौर पर उससे एक्सेप्ट कर लेगा. डेट्स वाई एच प्लस आइन एक्स एज अ लुईस एसिड. और लुईस एसिड इसी वजह से उसको हम कहते हैं क्योंकि लोन पेयर एक्सेप्ट करता है. क्योंकि लुईस ने जो है एसिड और बेस की डेफिनेशन बताई है, वो यही बताई कि जो लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है वो एसिड है, जो लोन पेयर डोनेट कर रहा है वो बेस है. तो यहाँ पे एक एसिड आपको बताया जा रहा है, ठीक है, और एक बेस बताया जा रहा है. हाइड्रोजन चूंकि ये ले रहा है, तो हाइड्रोजन वाटर जो है यहाँ पे आपको एज अ एसिड वर्क कर रहा है, ठीक है. सो वी कैन सी डेट एच प्लस आइन एक्स एज लुईस एसिड बिकॉज दे प्रोटोनेट बाय एक्सेप्टिंग एन इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ऑन अ बेस सच एज OH, ठीक है, और अमोनिया.
तो ये वाटर के तौर पे और ये अमोनिया के तौर पे। तो यहाँ पे एसिड की भी एग्जांपल हो गई और बेस की भी एग्जांपल लगे। अगर वाटर के साथ हम एच प्लस आइन को रिएक्ट करवाएंगे तो हाइड्रोजनियम आइन बनेगा, और अमोनिया के साथ रिएक्ट करेंगे तो अमोनियम बनेगा। इट्स इम्पॉर्टेंट टू मैंशन द फैक्ट डैट इट इज़ द नॉन बैंडिंग बॉन्डिंग पेयर टू फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड। कोई भी कोवेलेंट बॉन्डिंग ऑलरेडी मौजूद है उसके पास, किसी भी एटम के पास अगर लोन पेयर मौजूद है और वो लोन पेयर नॉन बॉन्डिंग वाला है तो वो हम उसको हम कहेंगे लुईस की डेफिनेशन उस पर अप्लाई होगी, अदरवाइज अप्लाई नहीं होगी। अच्छा, इसके बाद वाला क्वेश्चन है वाई एन एच थ्री एक्ट एज ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस। अब अमोनिया है, उसको अभी तो हमने लुईस के हिसाब से बनाया, अब एक और थ्योरी हमारे पास थी जो कि हमें ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी थी। अब ये थ्योरी क्या कहती है, इस थ्योरी को पहले हम देख लेते हैं। ये थ्योरी ये कहती है कि ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड इज अ सब्सटेंस डेट कंट्रीब्यूट्स अ हाइड्रोजन आइन इन टू द आइन टू अ केमिकल प्रोसेस। एसिड वो उसको कह रहे हैं जो कि केमिकल प्रोसेस के दौरान क्या करेगा, वो हमें हाइड्रोजन आइन देगा। ठीक है, इन कॉन्स्ट्रक्ट अ ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस इज अ सब्सटेंस डेट एक्सेप्ट हाइड्रोजन आइन इन अ केमिकल रिएक्शन। इट मीन्स कि इनकी जो थ्योरी है वो एच प्लस आइन एक्सेप्ट और डोनेट, यानी हाई प्रोटॉन एक्सेप्टर प्रोटॉन डोनर के हिसाब से जो है हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। हम एसिड उसको कहते हैं जो कि एच प्लस आइन जो है डोनेट कर रहा है, और बेस उसको कहते हैं जो एच प्लस आइन एक्सेप्ट कर रहा है, हाइड्रोजन आइन एक्सेप्ट करता है तो वो क्या है, वो बेस है, और जो डोनेट कर रहा है वो क्या है, एसिड है। अच्छा, ये डेफिनेशन क्या है कि एसिड एंड बेस एम्फेसाइज द मूवमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एज अपोज टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सल आयन इन द एक्वस सॉल्यूशन। इसके अंदर हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सल आयन जरूरी नहीं है, बस एच प्लस पे ही पूरी की पूरी थ्योरी बेस करती है। यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि एक्चुअली ये तो हमने थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देख ली, एक्चुअली क्वेश्चन क्या था कि वाई अमोनिया एक्ट एज अ ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस। अब यहाँ पे क्यों अमोनिया को हम बेस कह रहे हैं, रीज़न क्या है, अमोनिया इज़ अ गैस एट रूम टेम्परेचर वेट इट डिसॉल्व इन वाटर। एक्चुअली तो ये गैस है लेकिन जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है, वाटर एक्ट एज अ प्रोटॉन डोनर, वाटर प्रोटॉन डोनर के तौर पर काम करता है एंड अमोनिया एक्ट एज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर। और अमोनिया का जो नाइट्रोजन है जिसके पास एक लोन पेयर है वो कैसे एक्ट करता है, एज अ प्रोटॉन डोनर एक्ट करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर एक्ट करता है। देयरफॉर वाटर एक्ट्स एज एन एसिड एंड अमोनिया एक्ट्स एज अ बेस। इस वजह से कि वाटर क्या है वो एज एसिड वर्क कर रहा है और अमोनिया क्या है, एज अ बेस वर्क कर रहा है। ठीक है, चले अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वाई बी एफ थ्री बोरोन ट्राईफ्लोराइड एक्ट एज अ लुईस बेस। अब ये जो है बोरोन जो है थर्ड ग्रुप का है, इसके पास तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, ये तीन फ्लोरीन के साथ मिलता है और वो बोरोन ट्राईफ्लोराइड बना लेता है। अब होता क्या है कि बोरोन ट्राईफ्लोराइड तो बन गया, इनके वैलेंस शेल में तीन लोन पेयर है, अब एक इलेक्ट्रॉन पेयर की इसके पास कमी है क्योंकि वैलेंस शेल में आठ इलेक्ट्रॉन होगा तो वो ऑक्टेट रूल को अप्लाई करेगा, अदरवाइज का वैलेंस शेल अनस्टेबल होगा, इनकम्प्लीट होगा। ठीक है, तो इसको आप जहन में रखिएगा कि इसका वैलेंस शेल जो है वो इनकम्प्लीट है और ये फ्लोरीन जो कि वहाँ पे मौजूद है फ्लोराइड आयन की सूरत में और उसके पास तीन लोन पेयर है जो कि नॉन बॉन्डिंग है। ठीक है, इन दोनों के दरमियान रिएक्शन कैसे होगा, बोरोन कन्फर्ग्रेशन की क्या है, बोरोन की कन्फर्म 1s2 2s2 2p1। ठीक है, इसके वैलेंशन में तीन इलेक्ट्रॉन है, दो s में है और एक p में है एंड वैकेंट p ऑर्बिटल एग्जिस्ट, और इसका वैलेंस शेल जो है अभी भी इसका वैलेंस शेल इनकम्प्लीट है, विच इंडिकेट्स दैट मीन्स बोरोन ट्राईफ्लोराइड हैज़ दैट टेंडेंसी टू एक्सेप्ट लोन पेयर, हैंस बोरोन ट्राईफ्लोराइड इज लुईस एसिड। चूँकि इसके पास टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की, जो एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन पेयर वो लुईस एसिड होता है। ठीक है, अब इस बात को जहन में रखिएगा, बोरोन ट्राईफ्लोराइड हैज़ एन इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इट हैज़ सिक्स इलेक्ट्रॉन, इसके पास सिक्स पेयर हो गए ना, एक इस फ्लोरिन के साथ, दो तीन, और तीन पेयर मीन्स सिक्स इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो इट नीड्स एन इलेक्ट्रॉन पेयर टू कम्प्लीट इस ऑक्टेट। इस वजह से क्या होता है, इसको एक और इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए ताकि इसका ऑक्टेट कम्प्लीट हो जाए, हैंस बोरोन ट्राईफ्लोराइड इज एन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर और लुईस एसिड। ठीक है, इस वजह से बोरोन ट्राईफ्लोराइड क्या है, वो लुईस एसिड बनेगा या इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर बन जाएगा। ठीक है, थैंक यू।